हेलो दोस्तों, सोडा उत्कर्ष क्लास पे आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं डचों का भारतीय आगमन। तो डचों का डच अपने आप देश में रहते थे, मतलब हॉलैंड में रहते थे, नीदरलैंड, मतलब हॉलैंड का दूसरा नाम है नीदरलैंड। तो चलिए देखते हैं डचों का भारतीय आगमन। इनका मूल स्थान, मतलब देश मान लो या कुछ भी मान लो, देश था वो था नीदरलैंड, या फिर इसका नया नाम है हॉलैंड। डचों का भारत में देश था, मतलब भारत में तो नहीं था, मतलब नीदरलैंड हॉलैंड में देश था। वो व्यापार करने के लिए भारत में आए थे, तो भारत में आने के बाद उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ावा दिया और भारत में अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की। तो अब देखते हैं डचों का किस प्रकार भारत में व्यापार हुआ और किस प्रकार फैक्ट्री स्थापित हुई। तो डचों के आने के पहले 20 मार्च 20 मार्च 1602 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 20 मार्च 1602 को ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना होने के बाद डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री या कारखाना, में कुछ भी बोल सकते हैं, 1605 में, मतलब मुसिलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश के पास खोला। तो उसके बाद 1605 में प्रथम कारखाना, आंध्र प्रदेश में खोला। मुसिलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश के पास कारखाना खोलने के बाद डच्चों ने अपने कारखाने को वृद्धि करनी चाहिए, मतलब कारखाने आगे खोलने चाहिए, मतलब होते हैं ना व्यापार में बढ़ावा देने के लिए। तो उन्होंने पहला कारखाना हो गया, उसके बाद द्वितीय कारखाना भी खोलना स्टार्ट किया। तो उन्होंने दूसरा कारखाना 1610 को, द्वितीय कारखाना कहाँ खोला, पुलिकट, पुलिकट में खोला। इसके बाद डच्चों और अंग्रेजों के बीच मतभेद हो गया था। मतभेद होने के कारण अंग्रेज और डच्चों के बीच एक युद्ध हुआ था, बोधरा युद्ध, जो हुगली नदी के पास हुआ था। तो वो हुआ था 1669। ये आपको स्टार लगा लेना इस पे, मतलब कुछ भी करके इसको याद कर लें। ये युद्ध बार बार पूछा जाता है एसएससी में और इसको आप याद भी कर सकते हो। तो ये हुआ था बोधरा युद्ध। बोधरा युद्ध हुआ था हुगली नदी के पास। हुगली नदी के पास किन किन के बीच हुआ था? अंग्रेज और डच्चों के बीच, मतलब अंग्रेज डच्चों ने दो कारखाने खोल लिए थे, उसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा नहीं लगा था। तो उन्होंने कहा कि हम भी कुछ वृद्धि करना था, अंग्रेज भी बोले, तो डच्चों ने इसका मतभेद किया होगा, विरोध किया होगा, उसी के कारण इनका युद्ध हुआ था, बोधरा युद्ध। ये हुआ था अंग्रेज वह डच्चों के मध्य। जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी, अंग्रेज जीत गए थे और अंग्रेज जीतने के बाद डचों ने भारत को छोड़कर इंडोनेशिया चले गए थे। मतलब होता ना युद्ध हारने के बाद कोई दूसरे गांव जाता है, तो डच है ना भारत को छोड़कर इंडोनेशिया चले गए थे। इसके बाद 1824 में एंग्लो संधि हुई थी अंग्रेजों और डच्चों के मध्य, जिसमें एंग्लो संधि के उपरांत डच्चों को
इंडोनेशिया मिला था, केवल इंडोनेशिया। लेकिन अंग्रेज है ना, चतुर थे थोड़े से, तो चतुर होने के कारण उनको भारत, श्रीलंका और मलेशिया मिला था। तो आज का ये हमारा डचों का भारत में आगमन। तो अपने मैंने बात की थी डचों की, अब हम बात करने वाले हैं डेन। डेनिस, डेन को डेनिस भी नाम भी बोला जाता है। डेनिस का भारत में आगमन, तो डेनिस आए थे भारत में 1616 में। डेनिसों ने 1616 में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो 1616 में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1616 में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में आने के बाद इनको, मतलब डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी में स्थापना हो गई थी। फिर इसके बाद 1755 में, 1755 में डेनिसों ने, यानी डेन या फिर डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की बंगाल के श्रीरामपुर में अपनी बस्ती स्थापित की। मतलब बंगाल के श्रीरामपुर में स्थापित करने के बाद 1800 मतलब डेन उतने ज़्यादा व्यापार करने, व्यापार तो करने आए थे, व्यापार उनका चला नहीं था, इसके कारण 1845 में डेनिस ने अपने व्यापारिक कारखाने, व्यापारिक कारखाने सरकार को दे दी। तो 1616 में ईस्ट डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यह भारत के पूर्व में अपनी डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो इसके बाद 1755 में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल के श्रीरामपुर में अपनी बस्ती स्थापित की, सॉरी यहाँ पे बस्ती मतलब रहने के लिए स्थान, बस्ती स्थापित की। और 1845 में डेनिस ने मतलब व्यापार को बढ़ावा तो दिया, लेकिन व्यापार में उतनी सफलता न पाने के कारण डेनिसों ने अपनी व्यापारिक कोटी सरकार को स्थापित मतलब समर्पित कर दी थी। अब आप ही संभालो सर। पहले डच आए थे, उसके बाद डेन, अब हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसियों की। भारत में आगमन, फ्रांसीसी भारत में मतलब डेन के बाद ही आए थे, लेकिन ये इन्होंने भी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपनी कोठी स्थापित की। तो हम बात करने वाले फ्रांसीसियों के बारे में। इन्होंने सर्वप्रथम अपनी एक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जो 1664 में अहमदाबाद में की थी।
फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के बाद इन्होंने भी अपनी प्रथम कोठी खोली थी, और यह अहमदाबाद में आपको भी पता है सबसे एक ही है कोठी जो सबसे प्रचलित मात्रा व्यापार को बढ़ा देती है प्रचलित मात्रा में, वह है सूरत। सूरत में 1668 पहली कोठी खोली थी सूरत में। प्रथम कोठी सूरत में खोलने के बाद उन्होंने सभी की तरह यह भी अपने व्यापार को बढ़ावा देंगे, तो उन्होंने दूसरी कोठी भी खोली 1669 में, वो खोली थी मसूलीपट्टम। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1664 में, अहमदाबाद में हुई थी। 1668 में सूरत में प्रथम कारखाना खोला था, और 1669 में मुसलीपट्टनम में अपना द्वितीय कारखाना खोला था। उसके बाद भारत में है ना, ये फ्रांसीसियों का व्यापार इतना ठीक नहीं था, बढ़ावा वृद्धि नहीं हुई इनके व्यापार में, तो ये भारत को छोड़कर चले गए थे, और उसके बाद आए थे अंग्रेज। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे अंग्रेजों का, भारत में आगमन। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।